हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ही अच्छा लग रहा है बोल के कि फाइनली मेरा यूट्यूब चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स पहुंच गया है, और ये पहला माइलस्टोन था जो बहुत ही अच्छे से क्रॉस हो गया। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है, सो थैंक यू वंस अगेन। और इस चीज़ से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला है कि मैं और वीडियोस बनाऊं और नए नए कंटेंट क्रिएट करूं। सो आज मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड ने मुझे दो ऐसे फ़ोन दिए हैं जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, आपको शायद पता होगा, फोल्ड 3 एंड फ्लिप 3। बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ोन्स हैं, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इतना टेक्निकली जानता नहीं हूँ फ़ोन्स के बारे में, बट बेसिक्स तो मैं जानता ही हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक आईफोन और एंड्रॉयड यूज़र हूँ। आईफोन 12 यूज़ करता हूँ एंड एंड्रॉयड मैं यूज़ वन प्लस 9 प्रो, तो दोनों का मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं तुमको एक बेसिक चीज़ बताऊँ कि हाउ इट फील्स टू ओन अ फ़ोन लाइक दिस, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है फॉर श्योर। सो पहले हम लोग बात करेंगे फोल्ड 3 की। सो थोड़ा अच्छे से देखिए फ़ोन को, बहुत ही अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी है, बहुत ही अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी है। 3 कैमरास बिहाइंड एंड दिस इज हाउ इट ओपन्स। और मुझे क्यों नहीं ऐसा लग रहा है कि ये फोल्ड फ़ोन जो है वो पहले वाले फोल्ड फ़ोन से थोड़ा लाइट, थोड़ा स्लीक और थोड़ा और बेटर इन क्वालिटी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अगर मुझे फ़ोन एक बार देख के बाय करना हो तो मैं ज़रूर ले लूँगा, क्योंकि इट्स लुकिंग आउटस्टैंडिंग, बहुत ही यूनिक लुक है इसका। और ऑफकोर्स अगर आप बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े फ़ैन हो, वॉच नेटफ्लिक्स, वॉच OTT, इससे बेटर हो क्या चाहिए लाइफ में, इतना बड़ा स्क्रीन और फोल्ड करो तो एक छोटा फ़ोन। तो पहले बात करते हैं फ़ोन के बारे में। बॉक्स नहीं है मेरे पास, सॉरी। और मैं बता दूँ फ़ोन के बारे में बताने से पहले कि मुझे सैमसंग ने नहीं दिया है प्रमोट करने के लिए, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे। दिस इज़ अगेन फ्रॉम अ फ्रेंड जिसने मुझे लास्ट स्पीकर दिया था अनबॉक्सिंग के लिए, लियाम का स्पीकर, जो आपने इसके पहले का वीडियो देखा होगा। सो वही मेरा अच्छा दोस्त है जिसने मुझे बोला कि व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट दिस फोन, ये फ़ोन के बारे में ही बात कर ले, अभी नया लॉन्च हुआ है और अभी प्री बुकिंग भी चल रही है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लेट मी सी हाउ इट लुक्स एंड लेट मी शेयर दिस विद यू गाइस। तो मेरे को एक अनबॉक्सिंग या टेक्निकल ब्लॉगर मत समझना, मैं जस्ट आई एम ट्राइंग टू शो समथिंग विच इज़ न्यूली लॉन्च और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं, लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, तो पहले तो फ़ोन को चालू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे आपको सैमसंग का ब्रांडिंग मिल रहा है, पीछे 3 कैमरा मिल रहे हैं, ये वॉल्यूम टॉगल बटन है, ये ऑन ऑफ का और टच पैड है, सिम कार्ड के लिए स्लॉट ये रहा, फिर ये स्पीकर यहाँ पे, अगेन माइक्रोफोन्स का स्लॉट, अगेन यहाँ पे भी स्पीकर। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है एट फर्स्ट लुक। सो अभी चालू करते हैं, मैं चालू करता हूँ यही स्क्रीन पे, लेट्स सी हाउ इट लुक्स। सो ये स्क्रीन जो है ये 6.2 इंच की स्क्रीन है, अगेन दिस इज 6.2 इंच का स्क्रीन, एंड व्हेन यू ओपन इट गेस करो ये कितना है, 7.6 इंच का स्क्रीन है ये व्हेन यू ओपन इट। तो बाहर का स्क्रीन 6.2 इंच, अंदर का स्क्रीन 7.6 इंच। जस्ट लुक एट द फोन, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है फोन और बहुत ही अच्छी क्वालिटी लग रही है और इजीली हाथ में आ रहा है, मतलब एक हाथ में भी आदमी पकड़ के इजीली यूज कर सकता है, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है एक हाथ में पकड़ के यूज़ करने में, एंड अगर बाहर यूज़ कर रहे हो तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हो आप बाहर। बाहर का फ़ोन एक नॉर्मल फ़ोन जैसा हो जाता है, बहुत लाइट वेट है, मैं आईफोन यूज़ करता हूँ 12 प्रो मैक्स, मुझे उससे थोड़ा लाइट लग रहा है बाहर का फ़ोन, आई डोंट नो हाउ मच लाइट आई एम,
बट इफ यू टॉक अबाउट द वेट, दिस इज 275 ग्राम्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग देख लीजिएगा, बट 275 ग्राम्स बहुत ही लाइट वेट लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है फ़ोन। और बात करते हैं इसके अंदर, थोड़ा देखते हैं, दिस इज़ हाउ यू कैन डू योर जूम मीटिंग्स, आप ऐसे भी रख के यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक फीचर है विच इज़ कॉल्ड स्प्लिट स्क्रीन, तो आप स्क्रीन स्प्लिट करके भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी मतलब ये आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप कीपैड है और यहाँ पे आपका कुछ काम चल रहा हो, सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली गुड जब आप ट्रैवल कर रहे हो एंड यू जस्ट वांट टू रिप्लाई क्विकली टू योर ईमेल्स, तो इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। सो वेरी गुड फीचर। सो देर आर 5 कैमराज इन टोटल, 1, 2, 3, देयर इज़ वन कैमरा हियर, रुको मैं, लेट मी गो बैक टू द होम, देयर इज़ वन कैमरा हियर इफ यू कैन सी, एंड देयर इज वन कैमरा हियर। सो दिस कैमरा इज 10 मेगापिक्सल, दिस कैमरा इज 4 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, सो टोटल 5 कैमराज हैं इसमें, 5 कैमराज, 3 कैमरा जो पीछे हैं वो 12 मेगापिक्सल के हैं, जो फ्रंट कैमरा है जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं कॉल्स के लिए 10 मेगापिक्सल है, अगर आप अंदर का कैमरा यूज़ करते हैं कॉल्स के लिए तो वो 4 मेगापिक्सल है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। तो दिस इज़ अबाउट इट, ये पूरा मेटल बॉडी है एंड आगे स्क्रैच गार्ड दिया हुआ है, अंदर स्क्रैच गार्ड दिया हुआ है, तो वो एक आपका एक्सपेंस बच जाता है स्क्रैच गार्ड का, बट और ये देखिए द क्वालिटी एट द फोल्ड, जस्ट लुक एट द क्वालिटी व्हेन आई एम फोल्डिंग इट, जस्ट लुक एट इट, मतलब बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है ना, इतनी अच्छी कि मतलब मेरे को आई कॉन्ट बिलीव कि मैं यू नो मैं एक फोल्ड फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। वेल आई कैन सी द क्रीज, लेट मी शो इट टू यू, लेट मी ट्राई, एंड पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं, क्रीज दिख रही है मुझे, बट ट्रस्ट मी जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ ना वो क्रीज की फील चली ही जाती है, मतलब यू डोंट फील द क्रीज आफ्टर यू सी द डिस्प्ले, बट व्हेन द डिस्प्ले इज़ ऑफ हाँ थोड़ा फील होती है क्रीज, बट डजंट रियली मैटर यार, जब ओपन होता है तो कुछ फील ही नहीं होता है। और हैंडलिंग बहुत ही सिंपल है, मतलब बहुत लोग को ये डाउट होता होगा अरे बहुत बड़ा फ़ोन है कैसे कैरी करेंगे, जेब में आएगा कि नहीं नहीं आएगा, बट मेरे हिसाब से ये फ़ोन आपके जेब में भी आ जाएगा, और अगर आप कहीं बैठे हो और कुछ व्यू कर रहे हो तो भी बहुत मज़ा आएगा। और जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है, द गेमिंग क्वालिटी ऑफ दिस डिस्प्ले इज़ फैंटास्टिक, द रिस्पॉन्स टाइम इज़ रियली फैंटास्टिक, तो आप इस पर कोई भी गेम खेलोगे, और ऑफकोर्स ये स्क्रीन पर गेम खेलने का मज़ा कुछ अलग ही है, ट्रस्ट मी मैं बहुत गेम खेलता हूँ, तो ये स्क्रीन पे गेम खेलने का जो फन है वो ये स्क्रीन पे खेलने का नहीं है, बिलीव मी। सो बात करते हैं इसकी बैटरी की, 4400 mAh की बैटरी है इसमें, जो सैमसंग क्लेम करता है कि पूरा दिन यूज़ होता है, जो हैवी यूज़र होगा पता नहीं कैसे यूज़ करेंगे, बट ठीक है, नॉट बैड विथ 4400 mAh। इसमें वायरलेस चार्जिंग भी है, रिवर्स चार्जिंग भी है, आप दूसरा कोई भी जो वायरलेस फ़ोन है वो इसके ऊपर रख के चार्ज कर सकते हो, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग व्हेन यू आर ट्रैवलिंग और समथिंग और आपका फ़ोन डाउन हो रहा है, एंड इफ़ यू हैव अ फ्रेंड हु हैज़ अ सेम फ़ोन और सिमिलर टू दिस, आप सीधा उसके फ़ोन पे रख के चार्ज कर सकते हो, विच इज़ अ गुड थिंग अगेन। दो कलर आते हैं इसमें, ब्लैक जो मेरे हाथ में है अभी, और एक ग्रीन, फैंटम सीरीज बोलते हैं इसको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो दिस आर द टू कलर्स विच कम्स। ये तो फिलहाल पियानो ब्लैक फिनिश है जो बहुत क्लासी लग रहा है, तो आई एम श्योर आप लोग इसका प्राइस सुनोगे तो थोड़ा सोचोगे लेने के लिए। सो दिस कम्स इन टू वेरिएंट, 256 एंड 512 GB, सो 256 कम्स अराउंड 1,49,999, सो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख का फ़ोन है 256, और अगर 512 लेते हो तो वो है 1,57,999, विच इज़ अगेन 1,58,000, जो अगेन इट्स अ ह्यूज अमाउंट, बहुत ही बड़ा अमाउंट है, बट इफ़ आई एम अ बायर एंड इफ आई हैव मनी
एंड इफ आई एम लुकिंग टू बाय अ गुड फोन तो मैं आँख बंद करके फ़ोन ले लूँगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है आपको जो चाहिए आज के टाइम में जो ये फ़ोन में नहीं है। तो और हाँ, सबसे बड़ी बात, दिस इज़ वाटर रेजिस्टेंट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डस्ट रेजिस्टेंस तो होता ही है बट वाटर रेजिस्टेंस भी है, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लुकिंग एट द मुंबई रेन्स, वाटर रेजिस्टेंस फोन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगेन अ प्लस पॉइंट, दिस इज़ 5G कंपैटिबल। आई डोंट नो कभी आएगा, बट जब भी आएगा इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ 5G कंपैटिबल। और बस बाकी सब फीचर्स तो आई थिंक डिटेल रिव्यू आप देख लीजिएगा ऑनलाइन। दिस इज़ जस्ट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू कि कितना ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है सैमसंग का। दो आई एम नॉट अ यूज़र, बट अगर कल मैं सोचूंगा कि मुझे फ़ोन चेंज करना है तो मैं शायद एक बार ये ले लूँगा, क्योंकि इफ़ यू आर इन टू ट्रैवलिंग टू मच, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो ये बेस्ट फ़ोन है, बिकॉज स्लीक भी है, सो ईजी टू कैरी, और इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अ लॉट तो इससे बेटर क्या चाहिए। इतनी बड़ी स्क्रीन मिलती है, ट्रैवल करते करते वीडियोज देखो, लाइफ इज ईजी, लाइफ इज बेस्ट। सो या दिस इज सैमसंग फोल्ड 3 लेटेस्ट, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, आई मीन लॉन्च हो गया है बट बुकिंग नहीं है। सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बुक इट, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मेरे फ्रेंड का नंबर, आप उसको फ़ोन कर देंगे तो बुक हो जाएगा आपका। सो दैट्स अबाउट इट फॉर द सैमसंग फोल्ड 3। आई थिंक मोस्टली मैंने आपको सब बता दिया है इसके बारे में, बट एक जेन्युइन यूज़र रिव्यू मांगोगे, इट्स वेरी गुड, आई थिंक इट्स वर्थ द मनी, दो इट्स टू एक्सपेंसिव, बट जितना पैसा दे रहे हो सामने क्वालिटी भी वैसी मिल रही है, सो इट्स अ गुड थिंग। सो नाउ इसको साइड में रखते हैं और लेट्स टॉक अबाउट द अदर फोन विच आई हैव इन माई हैंड। तो अब बात करते हैं एक दूसरे फ़ोन की जो यही इसके साथ में ही लॉन्च हो रहा है, जो है सैमसंग फ्लिप 3। अब देखने में तो ये फ़ोन बहुत ही क्यूट लग रहा है, मतलब ये देखो मेरे हाथ में आ गया, मतलब इतना सा ही फ़ोन है, सिर्फ इतना सा, मतलब इतना सा फ़ोन मैंने आई थिंक बहुत साल हो गए देखा होगा कि इतना छोटा फ़ोन जो एक हाथ में बैठता है। मुझे ये फ़ोन देख के ना वो एक फ़ोन की याद आ गई जो बहुत पहले मिलता था, मोटर रेजर, अगर किसी को याद हो तो, जो ऐसे खुलता था और ऐसे बात करते थे, मस्त फ़ोन है बहुत। ये फ्लिप फ़ोन है, सुपर लाइट, एंड इफ आई टॉक अबाउट द वेट, इट इज़ जस्ट 185 grams, दैट्स इट, 185 grams का लाइट फ़ोन है, बहुत ही लाइट है। यहाँ पे एक स्क्रीन है जो मैं चालू करके दिखाऊंगा, और अंदर ये स्क्रीन है, बहुत ही इजी ऑपरेशनल है, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही स्लीक, बहुत ज़्यादा ही स्लीक है, ये देखिए बहुत ज़्यादा ही स्लीक फ़ोन है। और मेरे हिसाब से ये फ़ोन मैं बहुत सालों के बाद देख रहा हूँ, ऐसा पतला और नैरो फ़ोन है, टॉल है दो बट नैरो डिस्प्ले है, और इसमें देखेंगे क्या क्या आता है। देयर आर टू कैमरास ऑन द बैक, यहाँ पे एक फ्रंट कैमरा है, अगेन यहाँ पे USB-C स्पीकर, माइक्रोफोन, यहाँ पे ऊपर भी है नॉइस कैंसलेशन, यहाँ पे सैमसंग का ब्रांडिंग है, कलर बहुत ही अच्छा है, इसमें और एक कलर आता है ब्लैक, दिस इज क्रीम कलर। सो लेट अस स्टार्ट द फोन एंड सी हाउ इट लुक्स, पहले इसको बंद करके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे भी सेम है, ये फिंगर सेंसर है और इससे ऑन भी होता है, ये वॉल्यूम टॉगल है, सो लेट्स ऑन द फोन, देखें यहाँ से ऑन हो गया ऑन। सो दिस इज़ द स्मॉल स्क्रीन, सो दिस स्क्रीन इज़ अबाउट 1.9 inch, और जो अंदर की स्क्रीन है वो है 6.7 inches। तो ये 1.9 inch की स्क्रीन है और ये है 6.7 inch की स्क्रीन। जस्ट लुक एट द फोन, बहुत ज़्यादा ही स्लीक है, आई डोंट नो कैमरे में कैसा दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा ही स्लीक है। गोरिल्ला ग्लास, अगेन स्क्रैच गार्ड लगा हुआ है, पैसे बच गए आपके उसमें भी। सुपर 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 लाइट, मैं और एक बार मेंशन करूँगा ये चीज़, बहुत ही लाइट फ़ोन है, और ये पॉकेट में तो क्या है, कहीं पर भी आ जाएगा, इतना छोटा फ़ोन है कि किधर भी, मेरे को लगता है गुम भी हो जाएगा शायद किसी से, क्योंकि बहुत ही छोटा फ़ोन है, बट खुलने के बाद बहुत अमेजिंग लग रहा है।
अगेन इसमें भी आप डुअल स्क्रीन यूज़ कर सकते हो. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फ़ोन इज़ ये फ्लिप फ़ोन है जो आई थिंक काफ़ी टाइम बाद इंट्रोड्यूस हुआ है. फ्लिप, इसके पहले सैमसंग का कोई फ्लिप था कि नहीं मुझे पता नहीं, बट ये फ्लिप बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से. जस्ट लुक एट द प्रोडक्ट अगेन. इसमें भी हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि थोड़ा सा क्रीज दिख रहा है फ्लिप का, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा है टेक्नोलॉजी क्या है. मतलब इफ़ यू कम क्लोजर, जस्ट लुक एट दिस फोल्ड, जस्ट लुक एट द फोल्ड. और आप देखोगे कि ये रेस्ट कर रहा है आगे के साइड पे, बीच में गैप है. तो बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी है. मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ये लोग ने फिट किया है जो ऐसे स्क्रीन खुल रही है, और खुलने के बाद जस्ट लुक एट द मैजिक मैन, जस्ट लुक एट द मैजिक. मतलब बंद है स्क्रीन तो आपको फील होगा जो क्रीज है, लेकिन चालू होने के बाद आई डोंट थिंक यू विल फील एनी सॉर्ट ऑफ क्रीज और एनी थिंग वेर यू विल फाइंड कि ये फ़ोन में यू नो दिस इज़ अ फ्लिप और अ फोल्ड. सो वेरी नाइसली डन आई वुड से. अगेन दिस कम्स विथ 3300 mAh का बैटरी, एंड दिस कम्स इन टू वेरियंट, 128 GB, 256 GB. एंड इसमें भी सेम फोल्ड की तरह पे फ्लेक्स मोड है, जहाँ पे आप यहाँ पे एक स्क्रीन और यहाँ पे दूसरी स्क्रीन यूज़ कर सकते हो. अगर यहाँ पे आप ऊपर यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो नीचे कुछ और देख सकते हो, कुछ और स्क्रॉल कर सकते हो. तो ये ऑप्शन इसमें है जो फोल्ड में भी है ऑफकोर्स. तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. मतलब एक टाइम पर आप दो चीज़ें कर सकते हो, यू आर वॉचिंग अ वीडियो ऑन द स्क्रीन एंड यू आर डूइंग समथिंग एल्स ऑन द स्क्रीन. सो विच इज़ अ गुड थिंग. अगेन अगेन दिस इज़ अ वायरलेस चार्जिंग, दिस हैज़ अ वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन एंड दिस कैन बी रिवर्स चार्ज. मतलब अगर किसी के पास वायरलेस फ़ोन है और उसको चार्ज करना है तो ऑफकोर्स यू कैन गिव योर फोन टू योर फ्रेंड टू चार्ज, अगर आपको अपनी बैटरी कुर्बानी देनी हो तो. सो अगेन दिस इज़ वेरी गुड फॉर ट्रैवलिंग. बट मेरे को थोड़ा सा ये ऐसा लगा कि थोड़ा फेमिनाइन फ़ोन है. मतलब आई थिंक फीमेल्स को ज़्यादा सूट करेगा ये फ़ोन, क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट है और एकदम ईजिली आ जाएगा पर्स के अंदर. तो ऐसा मुझे लग रहा है. आई डोंट नो, इवन आई वुड लव टू यूज़ इट. इट्स अ यूनिक प्रोडक्ट, सो इट्स अ यूनिक प्रोडक्ट. आई मीन आई वुड ऑल्सो लव टू यूज़ इट एंड टू कैरी इट. तो एक प्रॉब्लम है, खोलने के लिए आपको दो हाथ यूज़ करने हैं, विच इज़ लिटिल. मतलब मेरे को थोड़ा लगा कि नहीं यार मज़ा नहीं आया. मतलब अगर इतना पतला फ़ोन है तो मैं एक हाथ से खोलने की ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है, नहीं खुलता एक हाथ से. और एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं, ये एक हाथ से थोड़ा यहाँ से खोला, हाँ थोड़ा एक जर्क देता है, बट आई डोंट थिंक यू वांट टू ट्राई दैट. बट हाँ, एक है ड्रॉबैक कि आपको दो हाथ यूज़ करने हैं खोलने और बंद करने के लिए. बट अगेन इसमें दो कैमराज है. दिस कैमरा अगेन बोथ आर 12 megapixel एंड इनसाइड कैमरा इज 10 megapixel, सो विच इज़ अगेन अ गुड थिंग. सो दैट्स अबाउट इट. दोनों फ़ोन का अपना अपना एक अलग डिज़ाइन है, अलग लुक है, जो बहुत ही यूनिक है. मतलब फोल्ड 3 तो चलो पहले भी फोल्ड के काफ़ी सीरीज है, बट ये फ्लिप इज समथिंग डिफरेंट जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे. एंड यहाँ पे अगर आपको मैंने बताया था कि याद नहीं है मुझे, ये टच सेंसर है. आप अपनी फिंगरप्रिंट का स्कैन यहाँ पे कर सकते हैं टू ओपन द फ़ोन. इसमें फेशियल रिकग्निशन भी है. सो आई थिंक ऐसा कुछ भी है जो नहीं है इसमें, सब कुछ है फॉर दिस मॉडर्न स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी. सब कुछ है इसके अंदर, एंड दैट टू इन सच अ स्मॉल स्पेस. आई डोंट नो हाउ दे आर फिटेड, एंड यू कैन जस्ट सी हाउ मेरे पूरे एक मेरे पाम के साइज का है ये. जस्ट इतना सा ही फ़ोन है, बस इतने से फ़ोन में लोग ने सब फिट कर दिया है. सो नाउ लेट मी टॉक अबाउट द प्राइस. सो दिस कम्स इन टू वेरिएंट अगेन. सो 128 GB इज़ फॉर 85,000, 84,999 समथिंग, एंड 256 इज़ 88,999. सो 89,256 है और 85,128 है. वेल कंपेयर टू फोल्ड सस्ता है,
बट फोल्ड फोल्ड है और ये फ्लिप है, दोनों अपनी जगह पे अलग है, बट आई थिंक ये स्टार्टिंग रेंज के लिए दिस फोन इज़ गुड. आई मीन दिस इज़ समथिंग रियली यूनिक विच आई हैव गॉट इन माई हैंड टूडे, सो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड. मतलब कैसे ये फिट हुआ है इतनी सी चीज़ में. बट अगेन इफ यू आस्क मी टू चूज बिटवीन दिस टू फोन, आई विल डेफिनेटली चूज दिस फोन फॉर श्योर, दो इट्स वेरी एक्सपेंसिव बट कांट हेल्प इट, आई लाइक एक्सपेंसिव थिंग्स. ऐसा नहीं है बट ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे इन ऑल एस्पेक्ट्स, वे आई एम ट्रैवलिंग, वेदर आई एम आई डोंट वॉन्ट टू सिट इन फ्रंट ऑफ माई टीवी एंड जस्ट डू सम बिंज वॉचिंग ऐसे ही बेड पे लेटे, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है. मतलब ये आपको सब तरीके से बेनिफिट देगा इन एवरी एस्पेक्ट, वेदर यू आर डूइंग अ बिजनेस मीटिंग, वेदर यू आर रिप्लाइंग टू योर बिजनेस ई मेल्स. जो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि यू नो यू वॉन्ट टू ओपन द अटैचमेंट एंड सी इट प्रॉपरली, तो ये सब फोन आई थिंक उसके लिए बेस्ट है. अगेन एंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट है, गेम खेलना है तो इससे बेटर कुछ भी नहीं है. तो आई थिंक आई विल गो फॉर दिस. सो दैट्स अबाउट इट, बाकी डिटेल टेक्निकल वो आप सब देख लेना ऑनलाइन. आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ बोथ द फोन्स विच आर जस्ट न्यूली लॉन्च्ड, एंड टू माई व्यू दे आर आउटस्टैंडिंग, बोथ ऑफ देम आउटस्टैंडिंग. दोनों अपनी जगह पे बहुत सही है, दोनों अपनी जगह पे एकदम यूनिक है. वेल, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं पहले के फोल्ड फोन, बट आई एम श्योर पहले के फोल्ड फोन और अभी के फोल्ड फोन की क्वालिटी वो लोग देखेंगे तो दे विल फील द डिफरेंस. पहले के फोल्ड फोन ऐसे बंद नहीं होते थे, सीधा ऐसे गिर जाते थे. सो द क्वालिटी एंड द इम्प्रूवमेंट वो जो लोग ने किया है ये वाले अपग्रेड में, इट सीम्स वो दिख के आ रहा है. सो ऑफ कोर्स चार्ज भी वैसे ही कर रहे हैं. सो डिसाइड विच फोन यू वॉन्ट टू बाय एंड गिव अ कॉल टू माई फ्रेंड और वेरी वे यू वॉन्ट टू बाय फ्रॉम बाय. बट इफ यू आर अ सैमसंग लवर, आई थिंक यू विल नॉट मिस टू बाय एनी ऑफ दिस फोन्स. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर यहाँ तक देखा ही है तो लाइक बटन दबा दीजिए अगर अच्छा लगा वीडियो, तो नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक दबा दीजिए. प्रॉब्लम किसी में भी नहीं है, पैसे किसी में भी नहीं लगते. और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे हम लोग और बहुत अमेजिंग कंटेंट लेके आने वाले हैं. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स प्लान्ड अप, काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है, काफ़ी सारा ट्रैवल्स होने वाला है. सो आई डोंट वॉन्ट यू टू मिस एनी थिंग. सो प्लीज़ इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, डू इट राइट अवे. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव यू मोर कॉन्टेंट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कम अप विद मोर अमेजिंग प्रोडक्ट्स एंड मोर ट्रैवल वीडियोज. थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.